भारत और ऑस्ट्रेलिया का आखिरी वनडे मैच यहाँ पे मेलबर्न में खेला जा रहा है और ये डिसाइडर वनडे मैच है, क्योंकि यहाँ से जो टीम ये मैच जीतेगी वो सीरीज पर कब्जा कर लेगी। वहीं यहाँ भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और शुरुआत में ही ऑस्ट्रेलिया को दो विकेट झटक लिए। पहला विकेट ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स कैरी के रूप में गया, सिर्फ 5 रन बनाकर एलेक्स कैरी आउट हो गए। वहीं दूसरा विकेट कप्तान एरन फिंच के रूप में गया, यहाँ पे कप्तान एरन फिंच एक बार फिर से फ्लॉप हुए, सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं दोनों विकेट भुवनेश्वर कुमार ने निकाला, पहला विकेट भुवनेश्वर कुमार ने कोहली के हाथों स्लिप में कैच करवाकर निकाला, एलेक्स कैरी कैच देकर आउट हुए। वहीं एरन फिंच जो शुरुआत से ही पिच से बाहर निकलकर खेल रहे थे, यहाँ पे LBW किया भुवनेश्वर कुमार ने, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने आए शॉन मार्स और उस्मान ख्वाजा यहाँ पे एक मजबूत साझेदारी करते हुए दिख रहे हैं। अभी तक ये कुल 65 रनों की साझेदारी कर चुके हैं दोनों बल्लेबाज और 21 ओवर के खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे 92 रन बनाकर खेल रही है। 92 रन पर ऑस्ट्रेलिया अभी 2 विकेट है। उस्मान ख्वाजा 29 रन बनाकर खेल रहे हैं। वहीं शॉन मार्स शानदार फॉर्म में आज नजर आ रहे हैं, 50 गेंदों का सामना किया है, 38 रन बनाकर खेल रहे हैं, अभी तक 3 चौके जड़ दिए हैं। वहीं गेंदबाजी की अगर बात करें तो भुवनेश्वर कुमार ने अब तक 5 ओवर डाले हैं, 1 मेडन ओवर डाला है, 2 विकेट निकाले हैं, 15 रन दिए हैं। वहीं मोहम्मद शमी ने भी 5 ओवर डाले हैं, 14 रन दिए, कोई अभी सफलता हाथ नहीं लगी। वहीं विजय शंकर जिनका आज डेब्यू मैच है, 4 ओवर अब तक फेंक चुके हैं, 12 रन दिए हैं, कोई सफलता हाथ नहीं लगी। केदार जाधव अपना 6ठा ओवर फेंक रहे हैं, यहाँ पे 35 रन दे चुके हैं, खासे महंगे साबित हुए केदार जाधव और कोई सफलता भी हाथ नहीं लगी। वहीं रविंद्र जडेजा अभी तक 2 ओवर अपना फेंक चुके हैं, 14 रन दिए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय गेंदबाजी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को कितने रनों पर समेट सकती है और भारतीय बल्लेबाजी क्या यहाँ पे टीम को जीत दिला के किया नहीं। नेक्स्ट स्पोर्ट्स से लव कुमार की रिपोर्ट।